दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है और दुकानों में राखियों का महासेल लगने लगा है। दोस्तों, भारत में कई दशकों से रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है, जिसमें हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और हर भाई अपने बहन को खुश रखने और रक्षा करने का वादा करता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इन कलरफुल राखियों को कैसे बनाया जाता है? तो आज की इस एपिसोड में हम यही बताने वाले हैं कि आखिर इन सुंदर सी दिखने वाले राखियों को कैसे बनाया जाता है। तो राखी को बनाने के लिए सबसे पहले ऊन यानी वूल की डोरी को लिया जाता है। अब इन डोर के छोर पर सुई बांधकर इसमें मोतियों को भरा जाता है। अब एक्स्ट्रा वूल को काट लिया जाता है। अब इसमें डबल फोल्ड वूल को इसी डोरी के साथ बांध दिया जाता है। अब इसे स्टेबल रखने के लिए एक छोर को टेप से बांध दिया जाता है। अब इसके छोर में खास तरीके के गांठ को बांधा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार 3 से 4 गांठ लगा देने के बाद एक मोती को गांठ में सटाकर फिर से गांठ बांधा जाता है। अब सारे मोती को इसी प्रकार लगा देने के बाद फिर से 3 से 4 बार गांठ को लगाया जाता है। अब इसके टेप को निकालकर इसके एक्स्ट्रा वूल को काट दिया जाता है। तो अब ये राखी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो है ना ये बहुत इजी। तो आप भी ये राखी घर पर बना सकते हैं और अपने भाई की हथेली पर अपने हाथ से बने राखी को बांध सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।